अभी डॉक्टर ने हमें बोला है कि उसको कंसर्न हो रहा है कि मर्फी को शायद पेट में अल्सर का प्रॉब्लम ना हो। मर्फी को लेके गए हुए हैं, उसका स्कैन वगैरह कर रहे होंगे। अभी एकदम हिल भी नहीं रहा, पता है? आंखें बंद हैं। नहीं, आंखें थोड़ी थोड़ी खुली है लेकिन हिल नहीं रहा एकदम, पैर भी नहीं ला रहा। हमने आज $1700 का बिल पे किया है, इसके लिए तो यार मैं अपनी जान भी लुटा दूं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मर्फी एंड फैमिली। आज मर्फी थोड़ा सा बीमार है। हम डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं मर्फा को। एक्चुअली मर्फी के ना लिप्स के अराउंड इन्फेक्शन हुई थी, इसी ईयर हुई थी मार्च में, तो बहुत ज़्यादा सिवियर हो गई थी, मतलब 2-3 मंथ्स लग गए थे उसको ट्रीट करने में। इस बार हमें फिर से वो डाउट हो रहा है कि वो यहाँ पे लिप्स के अराउंड कुछ इन्फेक्शन आ रहा है, छोटे छोटे ढीलू ढीलू भी है। डॉक्टर को गड़ गड़ करना है, कैसे करना है, कैसे करना है मोपा? हाँ बस ऐसे ही गज देना डॉक्टर को। ओवर ट्रेन, ये ट्रेनो ट्रेनो बढ़ेगा चढ़ेगा। इंडिया इंडिया की याद आई, आप ट्रेन में जाते थे ना इंडिया में? और फिर तो पहली बार मम्मी के ससुराल ट्रेन में गया था। हमारी जब शादी हुई थी मैं ट्रेन में गई थी अपने ससुराल, क्योंकि मुझे मर्फी को लेके जाना था। और मतलब बाय एयर जाने के लिए वो लोग 5 kg अलाउ करते हैं। मर्फी 6 था और फिर बैग प्लस डॉग का वेट। तो हम लोगों ने ट्रेन में ट्रेवल किया था, तो ऐसे हम पहुंचे थे अपने सजन के घर। वो ट्रेन उल्टी जा रही थी। अरे ट्रेन उल्टी भी जाती है, देखो कैसे जाती है। अरे ये कनाडा वापस जा रही है। बोली मैं चली। अरे वीजा लेना भूल गए थे, रास्ता खोल रहे हैं। ये डोंकी लगा के आई थी। हाँ बोला कि भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, निकलो। ये फनी था, मुझे लगता है उसको सिग्नल नहीं मिला ना जी, और लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, वो इसीलिए चले गए। दैट्स अ गुड थिंग यार, देखो आई अप्रिशिएट इट। हम अभी मर्फी को लेके आ रहे हैं ब्लू पर्ल में, और ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है सो फार जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। बट द प्रॉब्लम इज कि इधर यहाँ पे इमरजेंसी में आना पड़ता है या फिर रेफरल लेके आना पड़ता है, तो यू कैन नॉट एस्टैब्लिश देम एज अ प्राइमरी केयर, सो दैट्स द प्रॉब्लम। मफा कहाँ जा रहे हैं हम? चले भाई, डॉक्टर बुला रही। पापा आए, कहाँ है पापा? हिमांशु आया। धीरे धीरे चलना। हाँ ये बहुत स्लिपरी हुआ पड़ा है। हाँ ध्यान से जाना। अंशु ने मर्फी को उठा लिया है क्योंकि इन लोगों ने ना यहाँ पे सॉल्ट डाला हुआ है, और सॉल्ट से पॉज, अगर मतलब आइस है और ऊपर सॉल्ट है ना, तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पेन होती है पॉज में। तो ये है मर्फी का हॉस्पिटल ब्लू पॉल, हम पहले भी लेके आए थे इसको, और वो ब्लॉग में भी है जब लास्ट टाइम हम इसको लेके आए थे। भाई कितना सॉल्ट डाला है देखना। ये कौन है ये वाला रूम? सेम रूम था, यही रूम में आए थे ना तुम। गुगलू मेरा सोना टेडी बियर, मेरा जोना थे टेडी बियर, ओए मेरा लड्डू। इट्स ओके माफू। अब घूमी घूमी का चोचो, घूमी घूमी करेंगे। कहाँ जाना बच्चा, ये बहुत काम करने लग पड़ा है। ओए बेटू, खुद ही अपने दिमाग में कुछ कुछ इमेजिनेशन कर रहा था। कितना ड्रामा किया क्यों कर रहे हो? अभी तो नॉर्मल हो गया। मुझे बाहर ही जाना पड़ा ताकि वो थोड़ा सा शांत हो जाए, नहीं तो वो था कि मुझे पापा के पास जाना है। एक्चुअली डॉक्टर सैंपल ले रही थी उसके लिप्स के अराउंड, और वो हिमांशु को देखे से पागल था। फिर मैं हिमांशु को बोला कि भर दो। फिर जाके थोड़ा शांत हुआ कि नहीं अब तो कोई नहीं है बचाने वाला। नहीं शांत अब भी नहीं होता मेरे, जैसे ही द मोमेंट यू स्टेप्ड आउट वो मेरे ऊपर चढ़ गया। अब ये दूसरा सहारा ही मेरा, सेकंड बैकअप वाला बैकअप। मुझे काटने को आ रहा था कमीना, मुझे काटने को आ रहा है। डॉक्टर साहब ने हमें भी काटने को आते दिखाता है कि मैं तो सबको काटूंगा, देखो अपने वाले को भी नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या छोड़ो। वो डर तो गई है, मैंने बोला कहाँ चक्कर का थी, मजल पहनाऊंगी। मजल पहना बहुत मजा आ जाएगा, 2 मिनट में काटेगा। हाँ सही बोल रहे हो, नहीं सीट सीट बैठो ना, तुम्हें आपके गोद में बैठना, आपके गोद में बैठना उसको। अब शांत साउंड भी किया। गरजता भी है ये फ्यूज,
अभी डॉक्टर आएगी ना तो कहाँ पे गए तू? ये गरजने वाले बादल है, बरसते नहीं है। देखो यहाँ पे मर्फी का नाम लिखा हुआ है। मैं स्माइल बना दूँ आगे? ये मैं हार्ट बना लेती हूँ। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल दो यार। शट अप। वाह, आपका नाम यहाँ लिखा हुआ है, देखने आ जाओ, आ जाओ। आएगा नहाना नहाना। वैसे कि तुझे शर्म है कि नहीं, सारे जुल्म आज ही करेगी मेरे ऊपर। गर्दन टूट जाएगी, कितना टेंडी करेगा। देख लो, प्रूफ है ये हिमांशु ने बिगाड़ा, देखना बिठाया कैसे। मेरे पास है ना, आजा मेरे पास, आजा आजा। चलो आजा आजो। पापा का चिल्ला चमचा, पापा का चमचा किसको बोला? आपके बेटे को। अभी हम किसी के साथ अच्छा लगता है बैठना तो उसको चमचा बोलोगे? चमचा चिल्ला चमचा कढ़ाई कड़छी। हम डंके की चोट पे बैठे हैं, मंडली 3.0। अभी आगे मजबूरी वाले बैकअप के पास। बैकअप वाला ऐसे कट रहा था, ऐसे किया था, अभी दिख गया ना, अभी दिख गया ना, ऐसे किया था डॉक्टर के पास, देखो काटा नहीं इधर आया। और फिर ना लगी क्या, ऐसे करके देखते हैं कि लगी तो नहीं कहीं। पानी पीना मेरे बेटू, पिएगा पानी? तो पानी दे उसको, पानी पीना। पानी क्यों नहीं पी रहे हो? पानी पियो, पानी। मैंने 4 दिन हो गया पानी पियो हुए। हाँ यार, पानी नहीं पीता है। थोड़ा सा पानी पियो प्लीज, देखो गमी भी लग रही है, थोड़ा सा पी लो बेटा। चलो देख तू ले पानी। मूवी नहीं खोल रहा, अंगूरी राजा नहीं पीना उसको, छोड़ छोड़। तो अभी डॉक्टर ने हमें बोला है कि उसको कंसर्न हो रहा है कि मर्फी को शायद पेट में अल्सर का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उनको कि मर्फी को कुछ टाइम से क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं। तो अभी उन्होंने इमरजेंसी में ही हमें बोला है कि हम इसका सारा बाकी का भी चेकअप करवा लें। अभी धीरे धीरे मेरे को टेंशन हो रही है। तो नो विल बी फाइन। तो मेरा शेर पुत्र है, क्या हो टेंशन में हो क्या? थोड़ा सा लग रहे हो। नींद आ रही है? नींद आ रही है क्या? नहीं, नींद तो नहीं। ओके, मर्फी को लेके गए हुए उसका स्कैन वगैरह कर रहा हूँ। इसको एनेस्थीसिया दिया गया था तो थोड़ा सा ताकि उसका अल्ट्रासाउंड हो सके। अभी एकदम हिल भी नहीं रहा, पता है? आंखें बंद है? नहीं, आंखें थोड़ी थोड़ी खुली है लेकिन हिल नहीं रहा एकदम, पैर भी नहीं ला रहा। ठीक हो जाएगा, थका हुआ बहुत ज्यादा, एनेस्थीसिया का इफेक्ट है ना अभी भी। थोड़ी टाइम बाद देखना फिर से बैक टू नॉर्मल मर्फी बन जाएगा, फिर लोग बोलेंगे डॉक्टर ने क्या बोला, बड़ा मजे वाले बात बोला डॉक्टर। एक्चुअली जो हमारे ये वाली डॉक्टर है ये स्किन की एक्सपर्ट है। मर्फी डजंट लाइक एनीवन अराउंड हिज फेस, तो उसके साथ बहुत ही गुस्सा करता है, काटने को जाता है, सब करता है, तो डरती है। अभी वहाँ दूसरे वाले डॉक्टर के पास गए, मर्फी से टेम्परेचर चेक करा रहे हैं, मर्फी को इंजेक्शन दिया, मर्फी चू भी नहीं गया। और वो हमें बोल रही है ये तो डिफरेंट डॉग, ये तो मेरे साथ इतना नाइंसाफी क्यों। सिर्फ फनी बात हमें पता चला जब वो आया था, अभी तो ठीक कर दिया मर्फी का पॉनी, वो लोग देख रहे थे मेरे ख्याल से उन्होंने खोला होगा, रबर खुल गई, उन्होंने लगाई, फिर जब वापस आके मर्फी को दिया तो अनिका का सबसे पहला रिएक्शन था ये पौनी किसने लगाई। ये पौनी तो मैंने नहीं लगाई है। मतलब उनको लगा होगा अरे हमसे पौनी फिर हम कर देते हैं, और मैंने जैसे देखी ये मेरी करी हुई पौनी नहीं है। फिर से आपने ठीक करी पौनी को। अभी बस दुआ करना है इसकी रिपोर्ट्स अच्छी आ जाए। हम लोग रुके हुए हैं कि जल्दी से रिपोर्ट्स आ जाए और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। It's a good news, everything is normal, just pay so much bill. That's what we want to hear, to be honest. क्योंकि बिल तो पे करने करना है। परेशान हो रहे हो?
दोपहर से रात हो गई, हम लोग अभी भी यहीं पर हैं। एक्चुअली हम रुके हैं कि रिजल्ट्स आने वाली है, रिजल्ट्स लेके ही हम जाएंगे, इस रीजन से यहाँ पे रुके हुए। मर्फी बहुत शांत है अभी भी, अच्छा नहीं लगता ना शांत रहता तो, बिल्कुल भी नहीं, मन नहीं अच्छा लगता। ठीक हो जाएगा, एक दिन का रेस्ट चाहिए उसको, तभी जाके नॉर्मल होगा। So the good news is he's doing pretty fine, and we're paying $2,000 for that. Just to know that he's doing fine. कोई भी problem नहीं है उसे, अच्छी बात। पिछले जन्म में हमने loan लिया था इससे कोई। हाँ वो loan pay कर रहा है अभी। हमने loan लेके फिर insurance भी लगाई उसके ऊपर ताकि loan properly pay कर पाए। माफू चले कहाँ जाना? नहाना। नहाना? रिएक्शंस है बेबी, रिएक्शंस है, आ रहा होश में, आ रहा है, सो रहा है बेबी। आंखें खुली है लेकिन एकदम चुप है, गुड़गुड़ भी नहीं करता, गुड़गुड़ बंद है आज, मोटर बंद करके रखा है। क्या देखना, हम बुलाते हैं तो हिलता नहीं, जैसे कोई डॉक्टर बाहर से निकल फुट के देखता है, थोड़ा सा हेड अप करके देखता। हम आ गए हॉस्पिटल से वापस, आके मर्फी को थोड़ा सा खाना खिलाया, वो अभी भी मतलब थोड़ा सा जो भी उसको एनेस्थीशिया दिया गया था उसके इफेक्ट की वजह से देखो बेचारा सो रहा है अभी भी, पीछे कोई होश नहीं है उसका। तो अभी मैं उसकी देख रही थी, रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर रही थी, सारे टेस्ट, तो टेस्ट मर्फी के नॉर्मल आए हैं, दैट्स अ गुड थिंग, तो इट्स अ रिलीफ। बट हम लोग सच में बैंड बज गए आज, हम लोग ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे हॉस्पिटल में बैठे रहे हैं। मर्फी भी बेचारा बहुत परेशान हुआ है, तो हम मर्फी का मजाक कर रहे थे, हमने आज $1,700 का बिल पे किया है सिर्फ ये जानने के लिए कि मर्फी इज डूइंग कम्प्लीटली फाइन। और ये क्यूटी पाई मम्मी पापा के इतने पैसे खर्च करा के आराम से सो रहा है कि आई एम फाइन। कुकलू इसका बेड कितना सुंदर है, इसके लिए तो यार मैं अपनी जान भी लुटा दूँ, सब कर दूँ इसके लिए। कैसे आराम से सो रहा है मेरा बच्चा, मस्ती में, अपने बेड पर नाम भी लिखवा लिया उसने ताकि कोई और ना सोए। अभी करते हैं व्लॉग का एंड, इट वॉज अ लॉन्ग डे, अभी हम भी जाके रेस्ट करते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आज मर्फी तो है नहीं गर गर करने को, तो मर्फी के बिहाफ पे वी गर गर यू ऑल, टेक केयर गाइज़।